यह संयोग ही है कि 11 बिहार मजदूर हैदराबाद में झुलसकर मर गए और मुख्यमंत्री साहब 5-5 लाख का ऐलान तो कर दिए, लेकिन हम यह कैसे बताएं कि जो 11 लोग झुलसकर मर गए उनको पहचानना तक मुश्किल है और कहा जा रहा है कि उनका डीएनए टेस्ट होगा और पता लगाया जाएगा कि यह लोग कहां के थे। हैदराबाद की सरकार ने उनको घर भेजने की व्यवस्था कर दी है, यानी उनकी डेड बॉडी घर लाया जाएगा, उनके क्षेत्र में जला दिया जाएगा और बात खत्म। अब मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं डीएनडी न्यूज। यह घटना प्रत्येक बिहारियों को अंदर तक झकझोर कर रख देने वाली है, लेकिन इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ना कोई दुख होने वाली बात है, ना उदास होने वाली बात है। इस बात पर हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि बिहार के लोग हैदराबाद, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब या अन्य राज्यों में क्यों जाते हैं, ना ही बिहार के लोग को इससे मतलब होना चाहिए कि हमारे जगह पर हमें रोजगार मुहैया क्यों नहीं कराया जा रहा है। इससे तो हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे बिहार के राजनीतिक पार्टियां, बिहार के नेता लोग चुनाव में इतने व्यस्त हैं वह अपने राज्य के दशा और दिशा के बारे में सोच नहीं सकते हैं। और हम आपको याद दिलाते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री साहब जब यह वादा किए थे कि कोरोना के समय जो लोग भी वापस आए हैं उनको फिर दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको हम बिहार में ही रोजगार देंगे, तभी हमें लगा था कि कोरोना जैसे महामारी में कहीं हो सके कि बिहार में कुछ सुधार हो जाए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब से ऐसा उम्मीद करना कि वह कुछ बढ़िया सोच सके ये हो ही नहीं सकता है। उनके पास तो सोचने के लिए सिर्फ दारू और शराब के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। और जो मुख्यमंत्री साहब हमेशा यह कहते हैं कि हमको उनकी जानकारी नहीं है, हमको जानकारी लगते ही हम इस पर कार्रवाई कर देंगे, उस मुख्यमंत्री से हम कहना चाहते हैं कि 11 लोगों की मृत्यु हो गई है, वह लोग आज से 1.5 साल पहले वहां काम करने गए थे और 1.5 साल पहले ही आपने यह वादा किया था कि जो लोग बिहार लौट के आ चुके हैं उन लोगों को वापस नहीं जाने देंगे। जिलाधिकारी तक यह बात कह दिया गया था कि हर जिला में एक लघु उद्योग लगाएंगे। इस बात पर आज बिहार के लोग यह जानना चाहते हैं कि हुजूर आपका वादा कहां गया, कौन से बिल में घुस गया या शराब खोजने के चक्कर में हेलीकॉप्टर और ड्रोन से उड़ गया। तो क्या इसका जवाब आप दे पाएंगे? जिस प्रदेश के लोग जल जाने से भी जिस मुख्यमंत्री को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता तो आप सोचिए कि वह मुख्यमंत्री कितना निष्ठुर होगा। यह भी सोचिए कि बिहार में पैदा होने वाले अपने जन्मभूमि के तौर पर बिहार को याद रखता है क्योंकि वह कर्म कहीं और करता है और मर कहीं और जाता है। कल जब गांधी मैदान में बिहार दिवस के उपलक्ष में रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था तो क्या हम इस बात का घमंड रहेगा कि हमारे लोग किसी और देश और दूसरे राज्य में जाकर बोरा उठाकर जिंदगी गुजारते गुजारते मर जाते हैं? लेकिन हमारे यहाँ बिहार में नौकरी नहीं मिल रही है। हर छठ और दीपावली पर बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था क्यों करनी पड़ती है? इसलिए कि हमें अपने राज्य में काम नहीं मिलता है, हम अपने राज्य में कोई काम नहीं कर पाते हैं और बस किसी पर्व में लौटने के लिए सरकार हमारे लिए ट्रेन मुहैया करा देती है। आज इस घटना के बाद बहुत सोचना चाहिए कि जो लोग हैदराबाद में मर गए वो लोग कौन थे, क्यों लोग हैदराबाद की कबार के गोदाम में काम कर रहे थे और क्यों हमारे नेता इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कल से सभी मीडिया चैनल इस डेडलाइन के साथ जो खबर चला रही है कि 11 मजदूर हैदराबाद में जिंदा जल गए, उनसे हम खास करके अपील करना चाह रहे हैं, अनुरोध करना चाह रहे हैं कि आप यह लिखकर चलाइए कि 11 बिहारी मजदूर जलकर मर गए, ताकि हम लोगों को यह मालूम चल सके कि किसी पुल के गिरने से दबकर मरने वाला बिहारी होता है, किसी फैक्ट्री में आग लग जाने से जो मौत होती है वो बिहारी होता है और किसी कबार के गोदाम में जिंदा जलकर मर जाने वाला भी बिहारी होता है। और उसके बाद भी हमारे बिहार की राजनीति और हमारे यहाँ के नेता इस बात पर कोई डिबेट नहीं करना चाहते हैं कि यहाँ पर नौकरी क्यों नहीं है। इस बात पर बातचीत होना जरूरी है क्योंकि दूसरे देश में जाकर हमको नौकरी करनी पड़ती है। क्यों हर वक्त ऐसा ही होता है कि हम ही मजदूरी करते हैं और क्यों हमारे लोग ऐसे हैं जो निर्लज्ज नेताओं को चुनकर कुर्सी पर बैठा देते हैं जिन्हें अपने जनता के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन बिहार ऐसे मुहाने पर खड़ा होगा जहां विकास नाम का कोई चीज दिखाई नहीं देगा, देगा तो सिर्फ माफिया, होंगे तो सिर्फ मजदूर
और करप्ट नेता जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है और कुर्सी उनकी ख्वाहिश। अभी तक आप अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।